अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स टू ऑल। गूगल क्लासरूम पे आप अटेंडेंस अपनी मार्क कर सकते हैं, यस और नो पे वालेकुम आप जो है सलाम। वो क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। कमेंट ना किया करें और सिर्फ जस्ट यस और नो पे आप क्लिक करके जो है वो सबमिट कर दिया करें अटेंडेंस। हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं आज। हाँ, जैसे जैसे ज्वाइन करते हैं मैं ऐड करता जाऊंगा। मेरे पास आज इंटरनेट का थोड़ा इशू है, मैंने अपने मोबाइल पे ऑन किया है तो मे भी कोई डिसकनेक्टिविटी इशू आए, तो सुबह क्लास आज की ज़रूरी थी, इसके बाद मिड टर्म एग्ज़ाम है। सर वो आपने जो कल बोला था अपना गूगल क्लासरूम पे जो नेम और सेकंड नेम है वो उसका थोड़ा सा बता दें कि वो किस तरह करना है, उसकी समझ नहीं आई थी। वो जिस जीमेल से आप मतलब जिस जीमेल से आपने उसको ज्वाइन किया है जी, तो उस जीमेल में जब आपका वहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की ऑप्शन होती है जी, तो फर्स्ट नेम में अपना कंप्लीट नेम लिख दीजिएगा जितना भी है, मतलब एम एस शहजाद या जो भी, और सेकंड नेम में जो है ना वो आप अपने रोल नंबर के लास्ट डिजिट लिख दीजिएगा, मतलब आपका रोल नंबर है जीमेल में जाके एडिशन करें। जी जी बिल्कुल, फिर वो सर वही नाम सर आता एक है। बात है जी मैंने ये करेक्शन, मेरी बात पहले पूरी सुन लो ना, मैंने करेक्शन ये जो जिस तरह बता रहा हूँ इसकी एक वीडियो थी मेरे पास, तो वो मैंने आपके सीनियर्स को सेंड की थी, अब मुझे वो नहीं मिल रही, तो वो सीनियर्स किसी से भी आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कल अस्मा इधर बैठी हुई थी, आपकी क्लासेस में ज्वाइन की थी, तो अस्मा से आप हेल्प ले लें या किसी भी सीनियर से आप हेल्प ले लें, शायद उनके पास वीडियो हो वो किस तरह नाम चेंज करते हैं। तो हाँ, मुझे मिलती है तो मैं आज आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, तो उस तरीके से फिर करेक्शन कर लेंगे। उससे ये होगा कि एग्जाम जब कंडक्ट करना है मैंने, ठीक है, रिजल्ट कंपाइल करना है, आपका नेम रोल नंबर विजिबल होगा, और जिसका रेल नेम रोल नंबर नहीं होगा ऑब्वियसली मैं उसको एक्सक्लूड कर दूंगा वहाँ से। तो एग्जाम से पहले मैं चेक करूंगा ना कौन सा जो है वो आउटसाइडर है, मतलब मैंने 41 स्टूडेंट्स हैं तो 41 स्टूडेंट्स ही रखूंगा, बाकी कोई एक्स्ट्रा होंगे तो मैं निकाल दूंगा उन्हें। तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे नाम रोल नंबर से मैंने मैच करने हैं, तो इसलिए मैंने वो कहा हुआ है आप लोगों को। और अगर कोई एक से ज्यादा आईडी से एंटर हुआ हुआ है तो वो सिर्फ एक आईडी से रहे, बाकी वो जो है लेफ्ट कर दे। जी बेटा पूछें। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर नहीं मिला अभी तक, मैंने सीआर को भी कहा था कल, आपको भी कहा था, तो आपने कहा था सीआर से रابطہ कर लेना, मैंने सीआर को कहा है वो उसके पास भी नहीं अभी तक है। मेरा और तलहा का सर सिर्फ दो बंदों का नहीं है, मोहम्मद शाम और मोहम्मद तलहा। मैं बेटा अभी अभी देता हूँ, ये मैं चेक कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। उस जो लिस्ट में आपने ग्रुप में सेंड की थी उनके अंदर इनके नेम नहीं है, क्योंकि वो लिस्ट है, मैंने इन्हें सेंड कर दी थी। कैसे हो सकता है, मैंने गिने थे 41 स्टूडेंट टोटल थे सर, वो लिस्ट है, फिर मैंने तो वो कमांड को सेंड कर दी थी, वो कह रहा था इनमें नेम नहीं है इनका, मेरे पास वो लिस्ट है जो आपने ग्रुप में सेंड। ऑलराइट, मैं अभी देख रहा हूँ। सर जो रोल नंबर का आपने बताया था कि मेरा रोल नंबर शुरू हो रहा है 20 UE और आगे वो डिजिट्स हैं कुछ है। तो लास्ट पे जो पांच हिंसे हैं वो सिर्फ वही ऐड करने हैं या फिर पूरा रोल नंबर? लास्ट पे फोर डिजिट्स को ऐड कर दीजिएगा भाई। वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप बता रहे हैं MCF 211111 ये रोल नंबर है। हाँ, MCF वाला जो है ना वो रोल नंबर है, आप जो बता रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर है। जी ठीक है भाई, मैं अभी रोल नंबर देख लेता हूँ उसका। हाँ, एडमिशन फॉल 2020।
बताएंगे क्या नाम है रोल नंबर जो बचा पूछा था, क्या नाम है उसका? सर मोहम्मद अच्छा मोहम्मद एहतिशाम AH TIS TIS HAM सही है मोहम्मद लास्ट एहतिशाम। हाँ तो लास्ट वाला तुम्हें कैसे पता लास्ट वाला? सब पिक्चर आ रही है ना। तो फिर अच्छा नहीं स्क्रीन शेयर मैंने की है। ओके जी जी ओके ओके ये देखें भाई नोट कर लें भाई मोहम्मद कर लिया। एहतिशाम ये 5910 ये रोल नंबर है MCF नहीं नहीं MCF 200 1108 दिस वन इज ये रोल नंबर ठीक हो गया। ऊपर वाला ठीक हो गया। नीचे वाला रजिस्ट्रेशन नंबर है, ऊपर वाला रोल नंबर है MCF वाला जिसे मैंने हाईलाइट किया जीमेल है। पे पूरा लिखना है नहीं ये 1108 लिख दीजिएगा ना एंड वाला। सर एक मोहम्मद ओके तलहा के नाम से भी है एक लड़का। हाँ उसको भी वो भी मिल ये गया ऊपर फर्स्ट पेज। फर्स्ट पे देखें मोहम्मद तलहा। यस सर आपने सिकंदर अली तक सेंड किए थे स्क्रीनशॉट आई थी। नहीं कंप्लीट थे वो जो लास्ट वन है ना यस वो थोड़ा डल था। ये हो सकता है तस्वीर मैंने बनाई थी इधर कंप्यूटर यस सर सिकंदर अली भी था शमशेर खान भी था। ठीक है हाँ लास्ट वन जो था ना वो डल था थोड़ा सा वो आपको पढ़ने में शायद मुश्किल हुई हो। ये हो सकता है मोहम्मद तलहा भी देख लें आप। ये रोल नंबर है MCF 200 1117 1117। जी सर देख लिया थैंक यू। ठीक है किसी और को कोई कंफ्यूजन है तो वो भी अपना रोल नंबर कंफर्म कर सकते हैं। ये देखें MSc इकोनॉमिक्स मॉर्निंग मेल। जी हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट डिटरमाइंस द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और हमने स्टडी किया कि डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज जो है इट इज डिटरमाइंड बाय द थ्री फैक्टर डोमेस्टिकली। फर्स्ट वन इज consumption, second one is investment and third one is government spending in the closed economy. Today we are going to discuss the next topic that is what brings the supply and demand for goods and services into equilibrium. Basically इसमें हम सर सर जाना पे स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। ओके ऑल राइट आज हम डिस्कस करते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे होगा। बेसिकली इसमें जो इक्विलिब्रियम के लिए डिमांड और सप्लाई दोनों का रोल होता है और ऑब्वियसली यहाँ पे जो डिमांड सप्लाई वो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई है। सो इक्विलिब्रियम इन द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आज हम स्टडी करेंगे। The supply and demand for the economy's output. The following equation summarizes the discussion of the demand for goods and services in the previous section. As you know, GDP income is equal to the consumption plus investment plus government spending. Obviously, jin variables ke zariye hum demand ko overall demand ko generate karte hain, determine karte hain. जब वहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में इक्वल होंगे तो इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। हमने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किया कि जो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज है वो इन तीन
इन तीन कंपोनेंट्स के जरिए डिटरमिन की जाती है। पहला है कंजम्पशन, दूसरा इन्वेस्टमेंट और तीसरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जबकि आउटपुट, ये भी हमने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किया था कि आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। जो आउटपुट है वो डिपेंड करती है कैपिटल और लेबर पे, प्रोडक्शन फंक्शन पे डिपेंड करती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे एंड प्रोडक्शन फंक्शन पे, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करती है। दोबारा बोलता हूं, गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में जो इक्विलिब्रियम हमने आज देखना है वो डिपेंड करेगा डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पे। हमने प्रीवियस दो सेक्शन में सेपरेटली ये स्टडी किया है, व्हाट डिटरमाइंस द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, व्हाट डिटरमाइंस द सप्लाई फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जो हमने प्रीवियस सेक्शन में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो था व्हाट डिटरमाइंस द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिसाइडेड दैट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिटरमाइंस द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। और उससे प्रीवियस सेक्शन में हमने डिस्कस किया था व्हाट डिटरमाइंस द सप्लाई फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जो सप्लाई है वो दो कंपोनेंट से डिटरमाइन होती है, एक है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा है प्रोडक्शन फंक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज हो रहे हैं कैपिटल लेबर, और प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली शोज द न्यूमेरिकल एग्जांपल ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ आउटपुट। सो दिस वन इज द प्रोडक्शन फंक्शन, आपकी स्क्रीन पे जो विजिबल है, ये जो है सप्लाई फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इस तरीके से अरेंज होती है, और डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसके ये डिटर्मिनेंट्स है CIG, ये डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के डिटर्मिनेंट है, और ये जो आपके सामने है ये सप्लाई फॉर गुड्स एंड सर्विसेज है। इनको डिटेल में देखते हैं, सी वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, सी इज इक्वल टू सी इंटू वाई माइनस टी। जिस तरह मैंने बताया था लास्ट सेशन में, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, कंजम्पशन जो है वो डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करती है, सी इज इक्वल टू सी इंटू वाई माइनस टी। दिस सी इज नोन एज द एमपीसी, दिस सी इज नोन एज द एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इनकम के चेंज होने से आपकी कंजम्पशन कितनी चेंज होती है ये इस पर डिपेंड करेगा स्मॉल सी पे, और इसकी लिमिट 0 और 1 के दरमियान है। मतलब ये 0.7 होता है लेट्स सपोज, और ये वाला फैक्टर जो है ये 100 इंक्रीज करता है इनकम का, डिस्पोजेबल इनकम। ये y माइनस टी डिस्पोजेबल इनकम है, yd डिस्पोजेबल इनकम विच इज इक्वल टू y माइनस टी, यहाँ पे डायरेक्ट y माइनस टी लिखा हुआ है। दिस इज डिस्पोजेबल इनकम, इनकम आफ्टर पेइंग टैक्सेस इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम 1000 बढ़ती है और ये 0.7 है तो कंजम्पशन पे उसका इफेक्ट जो है वो 700 जाएगा। सो इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन कितनी चेंज होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस सी विच इज नेम्ड एज द एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेकंड वेरिएबल इज इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, ये स्मॉल आर जो लिखा हुआ है दिस इज इंटरेस्ट रेट, एंड इन्वेस्टमेंट इज नेगेटिवली एसोसिएटेड विद द इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट इज नेगेटिवली एसोसिएटेड विद द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, ये हम प्रीवियस सेक्शन में जो है प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज इक्वल टू जी बार, जी बार मीन्स कॉन्स्टेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को हमने कॉन्स्टेंट लिया है। इसी तरह टी टैक्सेस जो है, टैक्सेस आर आल्सो कांस्टेंट टी बार। ये सारी वैल्यूज आप इसमें प्लग कर सकते हैं, आप फर्दर देखेंगे। ये हो गया हमारा डिमांड साइड, ये क्या है डिमांड साइड, व्हाट डिटरमाइंस द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, दिस वन, दिस इज डिमांड साइड। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज सप्लाई साइड, आउटपुट, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, where capital and labor both are fixed, so y is equal to y bar,
अब हमने वाई बार को इसे इक्वल रख दिया है, ये वैल्यूज जो हैं अबव इक्वेशन में प्लग कर दी हैं, और ये वैल्यू जो है इसमें प्लग कर दी वाई में. सो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन दिस वन इज डिमांड साइड एंड दिस वन इज आउटपुट साइड. एट इक्विलिब्रियम कंडीशन डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल. दिस इक्वेशन स्टेट्स दैट द सप्लाई ऑफ आउटपुट इक्वल टू इट्स डिमांड विच इज द सम ऑफ कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट परचेजेस. हियर द हाइलाइटेड दिस इक्वेशन स्टेट्स दैट सप्लाई ऑफ आउटपुट इक्वल टू इट्स डिमांड विच इज द सम ऑफ कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट परचेजेस. तो जहां पे डिमांड फोर्सेस सप्लाई फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी वहां पे इक्विलिब्रियम होगा. सेकंड इक्विलिब्रियम जो है वो है फाइनेंशियल मार्केट इक्विलिब्रियम. अब ये पीछे वाला जो इक्विलिब्रियम पड़ा था ये था गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट इक्विलिब्रियम. गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट इक्विलिब्रियम एंड दिस वन इज फाइनेंशियल मार्केट इक्विलिब्रियम. फाइनेंशियल मार्केट में इक्विलिब्रियम तब होगा जब हमारी सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाए. जब हमारी सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाए. मैंने पहले जो आप लोगों को बताया था वो था टू सेक्टर इकोनॉमी के लिए. मैं थोड़ा सा उससे रिवाइज करता हूँ फिर इसकी तरफ आते हैं हम. हमारी इनकम जो है प्राइवेट सेक्टर की टू सेक्टर इकोनॉमी. टू सेक्टर इकोनॉमी बोलेंगे y इज इक्वल टू सी प्लस आई को. टू सेक्टर इकोनॉमी बोलेंगे हम y इज इक्वल टू सी प्लस आई. कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. ये बेसिकली कैसे होता है, हमारी इनकम के दो कंपोनेंट है कंजम्पशन और दूसरा सेविंग. हम या तो कंज्यूम कर लेते हैं और या फिर सेव कर लेते हैं. y इज इक्वल टू सी प्लस एफ. जो सेविंग जो है वो बाद में इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाती है. सो यू कैन से दैट एडिक्वली आवाज आ रही है मेरी. आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी. हेलो. यस सर. आवाज आ रही बेटा मेरी आप लोगों को. जी सर आ रही है. ओके. y इज इक्वल टू c प्लस s. y इज इक्वल टू c प्लस i. एट इक्विलिब्रियम सेविंग इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट. अब यहाँ पे जो आपके सामने है फाइनेंशियल मार्केट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे हम थ्री सेक्टर्स को यूज करेंगे. यहाँ पे हम थ्री सेक्टर्स को यूज करेंगे. आप ये कर्सर की मूवमेंट देखिएगा. यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी. सी प्लस आई प्लस जी. अब उसमें से c और g को आप लेफ्ट साइड पे अगर ले आते हैं तो y माइनस सी माइनस जी दैट इज इक्वल टू i. y माइनस सी. हमने क्या किया है, जस्ट हमने c और g को जो है वो लेफ्ट साइड पे ले आए हैं तो उनके साइन चेंज हो गए हैं. y which is GDP, which is output, y minus C minus G. उसमें से consumption minus कर दें, government spending minus कर दें, तो ये बन जाएगा national saving. ये जो left hand side पे ये मौजूद है y minus C minus G, ये है national saving. अगर y minus C अकेला होता तो वो था private saving. अब ये है y minus C minus G. तो ये टोटल सेविंग आता है जिसे हम नेशनल सेविंग बोलते हैं. तो ये जो फैक्टर है y माइनस सी माइनस जी दिस इज नेशनल सेविंग. और राइट साइड पे जो वेरिएबल है i दिस इज नेशनल इन्वेस्टमेंट. सो फाइनेंशियल मार्केट इक्विलिब्रियम वहां पे होगा जहां पे नेशनल सेविंग जो है वो नेशनल इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाए. द टर्म y माइनस सी माइनस जी इज द आउटपुट दैट रिमेन्स आफ्टर द डिमांड फॉर कंज्यूमर्स and the government have been satisfied. It is called national saving.
वैल्यूज प्लग करते हैं अब इसमें हम, ये देखें ये जो नेशनल सेविंग है इसको हम y माइनस e माइनस g को हम ऐसे लिख सकते हैं नेशनल सेविंग। अब इसी को हमने सप्लिट किया है, देखें t ऐड किया है और t को सब्ट्रैक्ट किया है, ये इक्वेशन में y माइनस e माइनस g में t को ऐड किया है और t को जो है वो सब्ट्रैक्ट किया है, y माइनस t यहाँ पे t माइनस किया है माइनस c प्लस t माइनस g। आप देखें दिस पोर्शन, बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? सर क्लियर नहीं आ रही। जी सर आ रही है, आ रही है, आ रही है सर, आ रही है सर। ओके ऑल राइट, y माइनस टी। अब ये जो इक्वेशन है ऊपर आपके सामने y माइनस सी माइनस जी, ये आपको समझ आ गई होगी, सिर्फ हम सी और जी को लेफ्ट साइड पे लेके आए हैं। दिस वन इज नेम्ड एज अ नेशनल सेविंग एंड आई stands for national investment। हमने यहाँ पे just उस saving को इस portion को ऐसे लिख दिया है और इसको expand किया है, देखें t को subtract किया है और t को add किया है, ऐसा हम कर सकते हैं, minus t भी किया है और plus t भी किया है और थोड़ी rearrangement की है। y minus t minus c, y minus t minus c। अब देखें y माइनस टी होता है डिस्पोजेबल इनकम, y माइनस टी होता है डिस्पोजेबल इनकम, उसमें से फिर कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा प्राइवेट सेविंग, दिस पोर्शन इज प्राइवेट सेविंग एंड दिस वन t माइनस g। टैक्सेस में से गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर निकालते हैं तो अगर ये पॉजिटिव में आ जाता है या जो भी अगर नेगेटिव में भी आता है तब ये बनेगा पब्लिक सेविंग। तो सेविंग, नेशनल सेविंग के दो कंपोनेंट है यहाँ पे मौजूद है, नेशनल सेविंग के दो कंपोनेंट है, एक है प्राइवेट सेविंग और दूसरा है पब्लिक सेविंग, दोनों को ऐड किया गया है तो ये नेशनल सेविंग बनता है। इसी को इलेबोरेट किया गया है, अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ ले, इसी को इलेबोरेट किया यहाँ पे। सर ये स्टार्टिंग से करवा दें थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट। ओके ऑल राइट, जो प्रीवियस डिस्कस किया था वो था गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट इक्विलिब्रियम, और ये जो फाइनेंशियल मार्केट इक्विलिब्रियम है ये वहां पे होगा जहां पे सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाती है। हम चूंकि थ्री सेक्टर इकोनॉमी के लिए पढ़ रहे हैं, थ्री सेक्टर इकोनॉमी की इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। अब उसमें से जो है हम C और G को लेफ्ट साइड पे ले आए हैं तो इन्वेस्टमेंट दूसरी साइड पे रह गया है, सो Y माइनस E माइनस G दिस इज नेम्ड एज अ नेशनल सेविंग, इनकम माइनस कंजम्पशन माइनस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो पैसे बच जाएंगे दिस इज नेशनल सेविंग विच मस्ट बी इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट फॉर द फाइनेंशियल मार्केट इक्विलिब्रियम। फाइनेंशियल मार्केट इक्विलिब्रियम में तब होगी जब नेशनल सेविंग जो है वो नेशनल इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाए, नेशनल सेविंग जो है वो नेशनल इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाए, तो इस पोर्शन को हम लेफ्ट साइड वाले पोर्शन को नेशनल सेविंग बोलते हैं। उसी नेशनल सेविंग को ऑब्वियसली इसमें प्राइवेट सेविंग पब्लिक सेविंग दोनों शामिल है, उसको हमने सप्लिट किया है नीचे, आप नीचे देखें उसको कैसे सप्लिट किया हमने, टी माइनस किया है और टी को एड किया है और जस्ट रीअरेंज किया है। ये जो पहला पोर्शन है वाई माइनस टी, ये डिस्पोजेबल इनकम माइनस कंजम्पशन, आप कर्सर की मूवमेंट को देखें y माइनस टी डिस्पोजेबल इनकम माइनस कंजम्पशन, ये बन जाएगा प्राइवेट सेविंग, हमारी डिस्पोजेबल इनकम में से कंजम्पशन को अगर निकाल दें तो ये बन जाएगा प्राइवेट सेविंग। फिर t माइनस g टैक्सेस माइनस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये बन जाएगा पब्लिक सेविंग, ये गवर्नमेंट की सेविंग हो गई, ये प्राइवेट सेविंग हो गई, दोनों को ऐड किया तो ये नेशनल सेविंग बन गया विच मस्ट बी इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट। आप नीचे देख सकते हैं y माइनस c, ये ऊपर वाली इक्वेशन में हमने वैल्यू प्लग की है इसकी, ये वाली इक्वेशन में c की वैल्यू प्लग की है जस्ट, y माइनस c y माइनस डिस्पोजेबल इनकम माइनस g विच इज इक्वल टू i एंड ब्रैकेट में लिखा है r,
इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट. ये नीचे सब पे बार डाल दिया है, बार डालने का मतलब है इक्विलिब्रियम वैल्यूज, और फिर लिख दिया नीचे दिस इज कॉल्ड नेशनल सेविंग एफ बार. नेशनल सेविंग विच इज इक्वल टू नेशनल इन्वेस्टमेंट. यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट जो है इक्विलिब्रियम में होगी. अब हम डायग्राम की तरफ आते हैं. आप देखें जरा, हमने डायग्राम जो ड्रा किया है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट की और सेविंग की, हमने कहा जहां पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग आपस में इक्वल हो वहां पे इक्विलिब्रियम होगा. आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट है, एक्स एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग है. इन्वेस्टमेंट कर्व हमने इन्वेस्टमेंट का और इंटरेस्ट रेट का नेगेटिव रिलेशनशिप है. हमने लास्ट लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि नेगेटिव रिलेशनशिप कैसे है. मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट का और इंटरेस्ट रेट का नेगेटिव रिलेशनशिप कैसे है, इसलिए वो नेगेटिवली स्लोप्ड है. इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने का मतलब है कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी ज्यादा है, तो लोग कम बोरो करेंगे और कम इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे. जिस तरह आप तकरीबन 13% इंटरेस्ट रेट है रिसेंट सिचुएशन में, तो लोग कम बोरो कर रहे हैं, कम इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे. इसी तरह अगर इंटरेस्ट रेट 13 की बजाय 2% 3% हो, तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी कम होगी, लोग ज्यादा बोरो कर सकेंगे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे. सो हायर इंटरेस्ट रेट लीड्स टू लो इन्वेस्टमेंट एंड लोअर इंटरेस्ट रेट लीड्स टू हायर इन्वेस्टमेंट. दैट्स व्हाई इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप. इसको इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं. इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप. और सेविंग रेट हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट रखा है. कॉन्स्टेंट भी हो सकता है और बाद का इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड भी कर सकता है. दोनों केसेस हम स्टडी करेंगे आज ही. यहाँ पे सेविंग रेट को कॉन्स्टेंट रखा है. यू कैन से दैट सेविंग इज नो मोर रिलेटेड विद द इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट बढ़े या कम हो उसका सेविंग पे लेट्स सपोज कोई इफेक्ट नहीं होता. तो जहां पे ये दोनों इक्वल हो, सेविंग और इन्वेस्टमेंट जहां पे इक्वल हो, वहां पे जो है वो फाइनेंशियल मार्केट इक्विलिब्रियम होगा. इसको इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट भी बोलेंगे. ये देखें यहाँ पे इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट इस तरीके से डिटरमिन होगा और इसको फाइनेंशियल मार्केट इक्विलिब्रियम बोलेंगे. अब हम देखते हैं कि इस फाइनेंशियल मार्केट इक्विलिब्रियम में चेंजेस कैसे आ सकती हैं. हाउ फिस्कल पॉलिसी कहते हैं. ये फिस्कल पॉलिसी के बारे में थोड़ा बता दूं. ये स्टेबलाइजेशन पॉलिसी है जो गवर्नमेंट की तरफ से इंप्लीमेंट की जाती है और इसके दो टूल्स हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस. फिस्कल पॉलिसी जो है वो इस इक्विलिब्रियम को, फाइनेंशियल इक्विलिब्रियम को कैसे अफेक्ट कर सकती है. लेट्स सी. लेट्स सपोज एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेजेस. गवर्नमेंट स्पेंडिंग में अगर इजाफा हो जाता है, जी में अगर इजाफा हो जाता है, तो वो इस इक्विलिब्रियम को कैसे अफेक्ट करेगी. गवर्नमेंट स्पेंडिंग में अगर इजाफा होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इजाफा होने से नेशनल सेविंग आपकी कम हो जाएगी. गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इजाफा होने से नेशनल सेविंग कम हो जाएगी. कैसे कम होगी, जुबानी नहीं हमने कम करनी. ये देखें जरा, आप हाईलाइट किया y माइनस c माइनस g. ये g में इजाफा हो गया है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इजाफा. फिस्कल पॉलिसी है ना, फिस्कल पॉलिसी का मतलब है दो टूल्स है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग या टैक्सेस. अब ये देखें गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इजाफा हुआ है. जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इजाफा होगा तो ये नेशनल लेफ्ट साइड वाला पोर्शन मतलब नेशनल सेविंग जो है वो कम हो जाएगी. नेशनल सेविंग के कम होने से हम देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा. नेशनल सेविंग कम हुई, सेविंग कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड. और उसके नतीजे में क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो गया और इन्वेस्टमेंट में कमी आ गई. देख लें, इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो गया और इन्वेस्टमेंट में कमी आ गई. दिस विल बी अ न्यू इक्विलिब्रियम एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग. ये जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इजाफा हुआ है, इसको हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं. गवर्नमेंट स्पेंडिंग में उन्होंने इजाफा किया ना, फिस्कल पॉलिसी को एक्सपेंड किया है, इसको हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं. तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के नतीजे में या
गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इजाफा होने के नतीजे में सेविंग कर्व जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा, सेविंग कम हो जाएगी, जिससे इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट में कमी आ जाएगी। बताएं भी ये क्लियर है इतना पॉइंट? कोई क्वेश्चन है यहां तक? नो सर। ऑल राइट, नाउ कंसीडर डिक्रीज इन टैक्सेस। सेम केस है, डिक्रीज इन टैक्सेस को भी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ही बोलते हैं। अगर टैक्सेस कम कर दिए जाते हैं, टैक्सेस कम होने से क्या होगा, नेशनल सेविंग में इजाफा हो जाएगा। बताएं, टैक्सेस कम होने से नेशनल सेविंग में इजाफा होगा या कमी आएगी? टैक्सेस सर नेशनल सेविंग के अंदर कमी आएगी सर, जब टैक्स जो है ना कम हो जाएंगे, गवर्नमेंट की जो है सर इनकम जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। बिल्कुल, इससे क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम तो बढ़ेगी, प्राइवेट सेविंग में इजाफा होगा, जबकि पब्लिक सेविंग में कमी आएगी। बात समझ रहे हैं? प्राइवेट सेविंग में इजाफा होगा। ये देखिए, मैं ऊपर आपको दिखाता हूँ इक्वेशन, जिसमें हमने स्प्लिट किया हुआ है दोनों सेविंग को, ये स्प्लिट किया हुआ हमने, ये है प्राइवेट सेविंग और ये है पब्लिक सेविंग। अगर टैक्सेस कम हो जाते हैं, टैक्सेस कम होने से ये क्या होगा, प्राइवेट सेविंग बढ़ जाएगी। बढ़ेगी क्या? नहीं, टैक्सेस yes, कम होने से प्राइवेट सेविंग बढ़ जाएगी। ये टी का पोर्शन कम हुआ ना, प्राइवेट सेविंग बढ़ जाएगी, पब्लिक सेविंग कम हो जाएगी। ठीक हो गया ना? दोनों का इफेक्ट जो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वो इफेक्ट नहीं कर सकेगा। नेशनल सेविंग विल रिमेन सेम। दोबारा देख लें भाई, टैक्सेस के कम होने से प्राइवेट सेविंग बढ़ जाएगी, पब्लिक सेविंग कम हो जाएगी। ठीक है, तो नेशनल सेविंग विल रिमेन सेम, और अदरवाइज जो है वो बाद का, अब पॉलिसी डिफरेंट है, तो टैक्सेस जो है मतलब जिस तरीके से आप कह लें कि टैक्सेस की भी आगे टाइप्स हैं, एक ऑटोनोमस टैक्सेस हैं और एक इंड्यूस टैक्सेस हैं। ठीक है, तो ऑटोनोमस टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो इनकम पे डिपेंड नहीं करते, और इंड्यूस टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो इनकम पे डिपेंड करते हैं। तो फिर ये फर्दर फोर्सेस पे वेरी करता है। नेक्स्ट इज चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट डिमांड। अभी हमने देखा कि सेविंग कर्व जो है वो कैसे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा। अब हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व जो है वो कैसे इक्विलिब्रियम को जो है वो डिस्टर्ब करेगा। लेट्स सपोज देयर इज एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड। अब इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व जो है, अगर उसको इंटरेस्ट रेट के अलावा, गौर से सुनिएगा, अगर उसको इंटरेस्ट रेट के अलावा कोई और फैक्टर अफेक्ट करता है, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा। इंक्रीज होने की सूरत में राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, डिक्रीज होने की सूरत में लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। दोबारा बोलता हूं, अगर इंटरेस्ट रेट के अलावा कोई और फैक्टर इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व को अफेक्ट करता है, तो इंक्रीज होने की सूरत में राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, डिक्रीज होने की सूरत में लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। वो कौन से डिटर्मिनेंट हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट डिमांड में इजाफा होगा, टेक्नोलॉजी कम होती है तो इन्वेस्टमेंट डिमांड में कमी आएगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट डिमांड में इजाफा होगा, प्रोडक्टिविटी कम होती है तो इन्वेस्टमेंट डिमांड में कमी आएगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व को अफेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज देयर इज एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड। इन्वेस्टमेंट डिमांड में इजाफा होता है तो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, तो उससे क्या होगा इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो जाएगा।
जबकि देखें सेविंग इन्वेस्टमेंट जो है वो सेम पॉइंट पे रहेंगे, क्योंकि सेविंग जो है दैट इज नॉट द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट. तो प्रीवियस डायग्राम ये बता रही थी कि सेविंग कर्व या फिस्कल पॉलिसी जो है वो कैसे अफेक्ट करती है फाइनेंशियल मार्केट इक्विलिब्रियम को. इस डायग्राम में हमने ये देखा है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व जो है वो कैसे अफेक्ट करता है फाइनेंशियल मार्केट इक्विलिब्रियम को. ये कम भी हो सकती है, कम वाला भी आप कह सकते हैं डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट विल अफेक्ट द इंटरेस्ट रेट. ठीक है, कैसे अफेक्ट करेगी, राइज होगा फॉल होगा विल रिमेन सेम, तो ये आप बताएंगे. अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व में कमी आती है तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट में भी कमी आएगी. क्लियर है पॉइंट? नाउ द लास्ट पॉइंट इज दैट हाउ एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड व्हेन सेविंग डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट रेट. मैंने बताया था कि हमने सेविंग को कांस्टेंट रखा है प्रीवियस बोथ केसेस में, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, ये डिपेंड करता है. बाद का सेविंग जो है वो इंटरेस्ट रेट का फंक्शन होती है, सेविंग जो है वो इंटरेस्ट रेट का फंक्शन और पॉजिटिवली डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट पे. मतलब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ पॉजिटिव रिलेशनशिप को. अगर इंटरेस्ट रेट में इजाफा होता है, अगर इंटरेस्ट रेट में इजाफा होता है तो हम ज्यादा सेविंग करेंगे, हमारी कोशिश होगी पैसे बैंक में पड़े रहे ताकि उनपे हमें इंटरेस्ट मिलता रहे. और अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हम कम सेविंग करेंगे क्योंकि हमें बैंक में पैसे रखने